हाँ दोस्तों, आज ये भाई साहब आए हैं, इनकी ये वाली वॉल खराब हो गई है ना। ये वॉल जो है इनके कंप्रेसर में ये वाली वॉल लगी, यही लगी ना। हाँ, फोन बंद कर लीजिए। यही वॉल लगी है इनकी कंप्रेसर में, तो ये वॉल खराब हो गई। इसमें क्या दोस्तों, सिर्फ ये डलता है स्प्रिंग, ये वॉशर खराब होता है। कभी भी जब खराब होता है तो सिर्फ यही वॉशर खराब होता है। ये देख लीजिए आप लोग, मैं इसको खोल के बता रहा हूँ आपको। ये एनआरवी वॉल जो रहती है, ये देखिएगा, इसमें ये वॉशर है और सेम इसमें ये है। इनका ये खराब हो गया, ये भाई मेरे पास लेना है। ये मार्केट में नहीं मिलता है, ये सिर्फ मेरे पास ही मिलता है। आप कहीं पंचर की जो दुकान रहती है, जो बेचता है एनआरवी, उनके पास ये मिल जाती है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये देख लीजिए आप, इसमें कुछ भी नहीं है वॉल में। इस टाइप से ये वॉल लग जाती है और ये वॉशर इस स्प्रिंग के द्वारा इस पे जाके लगता है और ये इस पे जाके कवर करती है ऐसे। तो इधर से हवा जाती है तो ये रोक लेती है, इधर देखिएगा, और इससे टैंक में हवा चली जाती है। मैं आपको इजी तरीके से समझा रहा हूँ भाई साहब। ये देखो दोस्तों, ये सिस्टम है टोटल पूरा। जैसे ये बड़ी भाई, ये बड़ा वाला भाई है, छोटा वाला भाई है, ऐसे ये लग जाती है कंप्रेसर पे। तो इधर से हवा जाएगी और उधर से निकलेगी, ये वोल्ट ऐसा लगाएगा, ऐसे लगेगी ये कंप्रेसर से हवा आ रही है, वो कंप्रेसर दिख रहा है आपको, उधर से हवा आती है ये पाइप के द्वारा। ये पूरा पाइप आया है, ऐसे ये लग जाती है। तो इनका क्या हुआ है, सिर्फ ये वॉशर खराब हुआ और कुछ नहीं हुआ है। ये वॉशर मेरे पास मिल जाता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे काम करेगी। आइए, देखिए दोस्तों, पास में आना भाई। ये कंपनी की फिटिंग है, ठीक है। कंपनी ने सिर्फ क्या किया है, ये सिर्फ एक स्क्रू दे दिया है इस पर कसने के लिए, और मैंने इनको नेक्स्ट टाइम जो बाल दी थी इस पर एक वॉशर 8 नंबर वॉशर आता है, ये वॉशर लगा दिया था, तो ये कुछ दिन चल जाती है इस काम में। तो सेम इस पर ये वाला वॉशर लगेगा, देख लीजिए आप लोग। और कभी ये वॉशर ना मिले तो आप गटर की कटिंग करके डाल सकते हो इस पे। मैंने एक वीडियो बनाया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वॉल का वॉशर कैसे बनाते हैं, तो आप लोग जाके उस पे देख लीजिएगा। ये वॉशर बन जाता है अलग से, इतना साइज का वॉशर आता है ये। तो इनका कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ यही वॉशर खराब हुआ है। ये देखिए इधर से कट गया, मैं खोल के बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये वॉशर ये कट गया। ये क्या गर्म पड़ती है ना अपनी एनआरवी वॉल, तो उसमें ये कट जाता है। तो इसमें ये दूसरा वाला वॉशर अपन डाल देंगे तो ये काम सही से करने लगेगी। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कलाकारी नहीं है। इससे क्या होती है, अपने कंप्रेसर की हवा वापस जाने लगती टैंक से, तो ये हवा लीक करने लगती है। ये देखो दोस्तों, मात्र 5 मिनट का काम था, 5 मिनट भी नहीं लगे इसको फिटिंग करने में। अब ये भाई की कंप्रेसर पे जाके ये सही से काम करने लगेगी। भाई कैसा लगा आप लोग, आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा रहा ना ये, और ज़्यादा महंगा वॉशर नहीं, 40-50 रुपये का वॉशर है। इनको मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, वो फ्री में दिया था, लेकिन इस टाइम पैसे लूँगा। और दोस्तों दूसरी वॉल इसमें क्या होती है, आप लोगों ने बहुत से कंप्रेसर देखे होंगे, छोटी वाली वॉल लग के आती है, ये टैंकी के अंदर लगती है। तो उसका बड़ी वाली वॉल ये लगती है, ये वाली वॉल क्या होती है, ये टैंकी के अंदर लगती है, तो अंदर से हवा रोक के रखती है इस पर। ये देखिएगा, इधर से इसमें हवा जाती है और इधर से ये निकलने लगती है। इस पर एक स्प्रिंग रहती है, सेम उसी के जैसी है। इस पर ये चीनी मट्टी टाइप का, चीनी मट्टी का वॉशर है ये वॉशर काफ़ी दिन चलता है, ये वॉशर कटता नहीं है।
हार्ड फाइबर कह लें या चीनवट्टी का वॉशर कह लें तो ये वॉशर लगता है। बाकी इसमें ये नाड़ी वाल्व में कुछ नहीं रहता है, देख लीजिए। ये वाली वाल्व में सिर्फ एक स्प्रिंग है और इसमें ये है, ये दोनों वाल्व सेम काम करती हैं और इनमें कुछ नहीं है वॉशर में। ये स्प्रिंग इसमें डल जाता है ये, और इसकी फिटिंग इस पर हो जाती है। ये भी मार्केट मिल जाती है 400-500 रुपए की, आराम से मिल जाती है ये अंदर लगेगी टैंक के और ये टैंक के ऊपर लगती है, इस टाइप से फिटिंग होती है। ये भाई भी जो है ना, बताना भाई आपकी वॉल, ये जो वॉल है सिर्फ ऐसे लगेगी और इस पर जाके ये कसा जाएगी तो ये हवा रोकने लगेगा। इसमें खराब कुछ ही नहीं होती है, हाँ कभी कभी इसकी गाइड कट जाती है अंदर से तो फिर ये चेंज होती है। अगर ये ज्यादा परेशान करे तो वॉल चेंज करना पड़ेगी आपको। ये वॉल लग जाती है लेकिन इसमें ये हेक्स निपल के साथ लगती है, कुछ इस टाइप से लग जाती है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और उसकी सब जितनी मैंने फिटिंग की थी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप जाके वो वीडियो देख लेना कि मैंने वॉशर की कटिंग कैसे की थी। इस वाली ये वाली वॉल लगाया था मैं पहले, इस पर एक वॉशर कटिंग करा करके मैंने बनाया था वीडियो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।